कि जो वहां जिनसे वो टैक्स लेते हैं वो अब कहते हैं कि जी हम कब तक और अब तो उनकी उसका अपनी करते रहे, इकोनॉमी की बैंड बज गई है इकोनॉमी तो कोरोना की उनकी वजह से। बहुत बुरा हाल है। इंडिया की सोशल मीडिया की ताकत को देख के फिजा खान डर गई। उसे ये समझ नहीं आया किस तरीके से इनकी ताकत को हम कम करें। इनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा क्योंकि भारत का बेस इतना बड़ा है कि कोई भी उसको काबू में नहीं कर सकता। पूरी दुनिया जानती है इस समय भारत में सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं इंटरनेट के, और ये कह रहे इस तरीके से पूरी दुनिया भारत की बात सुनती है क्योंकि चारों तरफ भारतीय भारतीय हैं, और इसमें पाकिस्तान अब कुछ नहीं कर सकता सिवाय रोने के। और इसके अलावा हिलाली साहब रो रहे हैं कि भारत अफगान आर्मी और इंटेलिजेंस के बंदों को ट्रेंड कर रहा है और वह यहाँ से लोग जाते हैं और भारत में ट्रेनिंग लेके आते हैं। अब हिलाली साहब को समझ नहीं है, जब पाकिस्तान भी नहीं था भारत के रिश्ते अफगानिस्तान के तब से हैं। पाकिस्तान तो 1947 में बना, उससे पहले भारत के व्यापारिक संबंध थे अफगानिस्तान के साथ और आना जाना था। और पाकिस्तान को इसमें कोई दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को अपने मुल्क की तरफ देखना चाहिए जो टूटने के कगार पे है। अगर इसी रफ्तार से पाकिस्तान दूसरे देशों में उंगली करता रहा तो उसके देश को फिर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी वहाँ पर तालिबान पैर पसार रहा है और आगे जाके और भी पाकिस्तान को मुसीबत झेलनी पड़ेगी। पाकिस्तान को खाली एक ही सलाह है कि अपने मुल्क की तरफ ध्यान दे और दूसरों में उंगली करना छोड़ दे। जय हिंद, धन्यवाद।